फ्रेंड्स आप देख रहे हैं अपाची की न्यू बाइक आरटीआर 160 जो कि पूरी 200 के सेगमेंट पे सेम टू सेम बनी हुई है। पहले ये आती थी 200 सीसी में सेम टू सेम बाइक, अब ये 160 में भी आने लगी है। बस इसमें चेंजेस हुए, इसकी सीट जिसकी सीट है पीछे की वो स्प्लिट है पूरी, मतलब पहले आती थी अलग अलग दो पार्टों में, अब सिंगल सीट दे दी गई है। और इसके हैंडल में बस बदलाव किए गए, इसका हैंडल सिंगल एक रोड का है और पहले इसका आता था वो जॉइंट होते थे, बाकी और कुछ बदलाव नहीं। और यहाँ पर एक कवर सा आता था बस, मड फ्लैप जिसे बोलते हैं। और बाकी ये 160 सेगमेंट में आई है और पूरी बाकी पूरी की पूरी सेम है। पीछे देख सकते हो आप, डबल डिस्क ब्रेक है ये आगे पीछे डिस्क ब्रेक, और 130 का टायर है इसका पीछे का चौड़ा। और बाकी बाइक चलाने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और इसके बाइक की वाइब्रेशन भी ख़त्म हो गई है पहले के मुकाबले। इस बाइक में वाइब्रेशन नहीं है बिल्कुल भी। और आप इसका मीटर देख सकते हो, मीटर भी इसका काफ़ी अट्रैक्टिव है। तीन सेगमेंट में आती है ये, सिंगल डिस्क, डबल डिस्क ब्रेक और आती है FI। तो ये फिलहाल डबल डिस्क ब्रेक का मॉडल है। FI मॉडल में आपको यहाँ पे गियर इंडिकेटर का भी आया था कि कौन सी गियर में आपकी बाइक चल रही है, इसमें नहीं आता, ये टॉप मॉडल में आता है उसके। और बाकी इसके मीटर में कुछ फीचर्स है वो आपको दिखा देता हूँ क्या क्या है। जैसे कि ये ट्रिप 1 और 2 दे रखा है, ये हाई स्पीड है कितने पे आपने इसे अभी तक चला रखी है, टॉप स्पीड, और ये 60 की स्पीड बता रहा है कितने सेकंड में पकड़ लेती है, और ये नॉर्मल स्पीडोमीटर है बाकी। और हैंडल में इसमें कुछ नहीं दे रखा है, यहाँ पे हेडलाइट ऑन करने का ऑप्शन नहीं आता है क्योंकि ये BS4 बाइक है, इनकी हेडलाइट ऑन रहती हो, ऑटोमेटिक हेडलाइट्स होती हैं इनकी। और इधर इंडिकेटर वगैरह का दे रखा है, स्विच वगैरह। और बाकी ये इसका इंजन है 160 cc का, आप देख सकते हैं, और काफ़ी अट्रैक्टिव है ये बाइक पहले के मुकाबले। और मैं इसे 1 महीने से राइड कर रहा हूँ तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आई है इसमें। बस एक प्रॉब्लम आई, इसकी पीछे की डिस्क ब्रेक है वो थोड़ी आवाज़ करती है और चैन सेट में से हल्की हल्की सी आवाज़ आ जाती है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं वो भी कल सर्विस सेंटर में जाके चेक करवा लूँगा एक बार, उसके बाद को बताऊँगा आपको क्या प्रॉब्लम आई थी। और आगे इसकी लाइट देख सकते हो आप, लुकिंग कितनी अच्छी सी अट्रैक्टिव सी लग रही है। बाकी इसमें LED लाइट और हैलोजन लाइट दोनों कम्बिनेशन होता तो और ज़्यादा अच्छी लगती, जिसमें अभी फ़िलहाल हैलोजन लाइट दे रखी है और साइड में LED दे रखी है, बाकी दोनों इसमें LED होती है तो और ज़्यादा अच्छी लगती है। बाकी इतने में भी बहुत अच्छी है ये देखने में, कितनी मुझे। और यह इसकी फ्रंट रियर फ्रंट डिस्क ब्रेक है, और रियर डिस्क ब्रेक दिखा देता हूँ आपको। ये कवर से पैक होती है, ये ऊपर ये कवर लगा हुआ है उसके ऊपर, ये यहाँ से खुल जाता है कवर, हम देख सकते हैं, लगा देते हैं वापस इसे। इसका रियर सोकर पीछे का बीच में लगा हुआ होता है। फ्रेंड आप देख सकते हो कि बैठने में ये काफ़ी कंफर्टेबल है, मतलब आपको ज़्यादा झुकना नहीं पड़ता इसको चलाने में, और लॉन्ग ड्राइव पे भी आप इसे आराम से चला सकते हैं क्योंकि इसे मतलब आगे झुक के नहीं चलाना पड़ता। बहुत सी 150 cc की बाइकें होती है आगे थोड़ी झुक के चलती है, तो इसमें ज़्यादा कोई ऐसा इशू नहीं आता, आप लॉन्ग ड्राइव पर आराम से यूज़ कर सकते हो। बाकी मैं आपको इसकी सेकेंड वीडियो बना के दिखाऊंगा कि लॉन्ग ड्राइव पर इसे कैसे चलाने में कंफर्टेबल है नहीं है, माइलेज कितनी देती है। बाकी आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में आपको जो भी क्वेरी हो किसी भी तरीके की पूछना हो मुझसे कुछ भी, ये बाइक मेरी खुद की पर्सनल है, आप कुछ भी इससे रिलेटेड क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर बताऊंगा। आप इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद, कृपया कर मेरे चैनल पर बने रहे।